Assalamu alaikum dear students, I hope you are all well and enjoying good health. We are learning computer education of grade 6. Today we are going to start a new chapter, unit 3, commonly used software. In this unit we will learn very interesting practicals related to paint, related to word and related to media player. Hopefully, this unit will be very interesting for you. So, let's start. First of all, you may know about the software. Software refers to the instructions given to a computer to perform a specific task. Students, hum software ki definition ko प्रीवियस क्लासेस में ऑलमोस्ट इन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हम इनको लर्न कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिवाइसेस, व्हाटएवर. सो आज हम दोबारा से इसको रीकैप करते हैं. सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस पेंट. टुडे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लेक्चर इज रिकॉग्नाइज माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो. आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो. So first of all, we will learn working with Microsoft Paint. So आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम Microsoft Paint के साथ किस तरह काम कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि MS Paint के क्या uses हैं, हम इसको किस तरह से use कर सकते हैं और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है. So MS Paint is a graphics software. It is one of the commonly used software for the beginners. It is used to draw pictures and graphics on a computer. A user can also use Paint to view and edit scanned photos. Students, MS Paint ek graphics software hai jisme hum kisi bhi picture ko draw kar sakte hain ya edit kar sakte hain या किसी भी पिक्चर में चेंज लेकर आ सकते हैं. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट कलर टूल्स को, ब्रश टूल को, हम डिफरेंट शेप टूल्स को यूज करके पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. हम किसी भी तरह की ड्राइंग कर सकते हैं. हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ओवल्स ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी किस्म के डिफरेंट स्टाइल्स के टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन मॉडिफाई एनी इमेज एज वेल. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Now I have a question, how to open MS Paint from my window? So let's see. So for this purpose, click on the start button. First of all, आप इस start button के ऊपर click करेंगे तो आपको ये menu appear होगा इस तरह का. आप जाएंगे all programs में, then move the mouse over all programs. जैसे ही आप अपने माउस को मूव करेंगे एक और प्रोग्राम्स की तरफ तो आपको फिर ये वाला मेन्यू शो होगा. जैसे ही आपको ये मेन्यू शो होगा आप जाएंगे एसेसरीज में. हियर इज द ऑप्शन ऑफ एसेसरीज. एसेसरीज में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक और थर्ड मेन्यू अपीयर होगा. इस थर्ड मेन्यू में आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि वेयर इज पेंट. आपको नजर आएगा ये है पेंट. सो यू विल क्लिक ऑन द पेंट. Then the window of Microsoft Paint appears. You can see that इस तरह के आपको एक window appear हो जाएगी Microsoft Paint की. आप देख सकते हैं इसमें different tools हैं,
आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के ब्रशेस हैं, आप इन यहाँ पे ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, शेप्स हैं, किसी भी तरह की शेप्स जैसा कि आप चाहते हों, सिर्फ ये शेप्स नहीं है, जब आप इसके नीचे वाले बटन की तरफ इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सी शेप्स अपीयर होंगी। तो जैसी आप डिज़ाइनिंग शेप चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है साइज़, यहाँ पर आप अपने पेंसिल को या मार्कर को डिफरेंट साइज़ में चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक थिक राइटिंग लेकर आना चाहते हैं तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर दें, और अगर आप एक थिन राइटिंग लेकर आना चाहते हैं अपनी डिज़ायरिंग राइटिंग के मुताबिक, आप इन ऑप्शंस के ऊपर टिक कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिज़ायरिंग कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत बेशुमार बहुत से ऑप्शन हैं। नाउ वी विल लर्न सम स्टेप्स हाउ टू ओपन MS Paint। सो द प्रोसीजर, क्लिक द स्टार्ट बटन, मूव द माउस ओवर ऑल प्रोग्राम्स, move the mouse over accessories, then click the paint, window of paint appears, then you may draw anything, any picture or any diagram. So students, here are the related pages for the reading, page number 59 and page number 60. You will write the practical how to open MS Paint in your notebooks. And take care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.